26 जनवरी गणतंत्र दिवस। क्या आपको पता है हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? गणतंत्र दिवस हर भारतीय के लिए बहुत मायने रखता है। यह दिन हम सभी के लिए बहुत महत्व का दिन है, जिसे हम बेहद ही उत्साह के साथ मनाते हैं। भारत एक महान देश है और सिर्फ भारत में ही विविधता में ही एकता देखने को मिलती है, जहाँ विभिन्न जाति और धर्म के लोग प्यार से रहते हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त दो ऐसे राष्ट्रीय दिवस हैं जिन्हें हर भारतीय खुशी और उत्साह के साथ मनाता है। 26 जनवरी 1950 भारतीय इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भारत का संविधान लिखित सबसे बड़ा संविधान है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान के वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पारूपी चिमटी के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने विश्व के अनेक संविधानों के अच्छे लक्षणों को अपने संविधान में आत्मसात करने का प्रयास किया है। इस दिन भारत एक संपूर्ण गणतांत्रिक देश बन गया था। देश को गौरवशाली गणतंत्र राष्ट्र बनाने में जिन देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया, उन्हें 26 जनवरी के दिन याद किया जाता है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। गणतंत्र दिवस के कुछ तथ्य। पूर्ण स्वराज्य दिवस 26 जनवरी 1930 को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर भारत का संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र की पहली परेड 1955 को दिल्ली के राजपथ पर हुई थी। भारतीय संविधान की हाथ से लिखी मूल पंक्तियां संसद भवन के पुस्तकालय में सुरक्षित रखी हुई हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस में 26 जनवरी 1950 को शपथ ली थी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं और हर साल 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 19 जनवरी को विजय चौक पर गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री अमर ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्हें देश की आजादी में बलिदान दिया। भारतीय सरकार द्वारा पूरे देश में राज पवित्र अधिकांश के रूप में 26 जनवरी को घोषित किया गया था। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और दूसरे संस्थाओं में विद्यार्थियों और शिक्षकों के द्वारा पूरे उत्साह के साथ पूरे भारत भर में इसे मनाया जाता है। नई दिल्ली में इंडिया गेट के सामने राजपथ पर सैनिकों के द्वारा एक उत्कृष्ट परेड और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ये थी SN News की रिपोर्ट।